अब ये देखो मेरे FPS कितने आ रहे हैं ऊपर, 114 116 FPS आ रहे हैं, और ये ग्राफिक्स है करो, अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाँ वीडियो स्ट्रीम नहीं, वीडियो। बहुत सारे लोगों को पता है यार मैं एक स्ट्रीमर हूँ, मैं गेम्स के स्ट्रीम्स करता हूँ और डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं हमारी, लेकिन पबजी मोबाइल भी हम खेलते हैं। उसके हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, मुनीब भाई आपकी पबजी की सेटिंग्स क्या हैं। मैंने उनसे कहा था मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये वो वीडियो है, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब बॉयज। तो यार हमें सबसे पहले, हमें भला क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 120 FPS अनलॉक करने, बेसिकली 120 FPS अल्ट्रा HD के ऊपर बेस्ड है ये वीडियो। अल्ट्रा HDR 120 FPS आपके गेम लूप में अनलॉक होंगे पबजी मोबाइल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गेम लूप है, गेम लूप के आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको छोड़ो, आप इसके शो मोर ऑप्शंस में जाओ, गेम फाइल लोकेशंस में जाना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये गेम फाइल लोकेशन में आप आ गए हो, ठीक है। अब आपने यहाँ से बैक करना है TX गेम असिस्टेंट पे, ठीक है। उसके बाद ये UI का फोल्डर है, इसमें आपने जाना है, इसमें जाकर ये जो है ना एंड्रॉयड एमुलेटर EN, इसको आपने नेक्स्ट यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर शो मोर ऑप्शंस में जाना है, सेंड टू जाना है, सेंड टू आपने डेस्कटॉप करना है, ठीक है। जो कि मैं सेंड कर चुका हूँ सेंड टू डेस्कटॉप, ये वो फाइल है जो मैंने सेंड टू डेस्कटॉप किया है, ये फाइल आ जाएगी। लेकिन आपके पास ना आइकन चेंज होगा, ये आइकन मैंने चेंज किया, आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, आपका यहाँ पर EXE लिखा होगा, ठीक है। तुम लोगों को पता नहीं नज़र आ रहा नहीं आ रहा, EXE लिखा होगा। आप लोगों ने क्या करना है, माइनस यहाँ पर EXE के बाद आपने स्पेस देनी है, स्पेस दे के माइनस लिखना है, माइनस लिख के VM लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद फिर स्पेस देनी है, उसके बाद 100 लिखना है, ठीक है। ये सामने लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेना जैसे, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्पेस सब कुछ जो लिखा है उसको एग्जैक्ट लिखा रहने देना। उसके बाद आपने स्पेस देनी है माइनस VM स्पेस 100, ये लिख के अप्लाई करके यहाँ पर आपने ओके कर देना है। उसके बाद ये फाइल खोलनी है, आपने गेम लूप से नहीं पबजी ऑन करनी है, आपने इस फाइल से, ये जो फाइल हमने डेस्कटॉप पे पेस्ट किया ना, यहाँ से आपने ऑन करनी है, इसको यहाँ से आप पबजी ऑन करो, ठीक है। एक और चीज़ है, आपने गेम लूप खोलनी है, ठीक है। ये फाइल खोलने से पहले आपने गेम लूप भी ओपन कर लेनी है अपनी। गेम लूप की भी आप लोगों को सेटिंग सिखा लेता हूँ, वो भी कॉपी कर लेना, उसके भी थोड़ा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि उसका क्या हिसाब है। ये गेम लूप खुल गया मेरा, ठीक है। इसके सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे पहले तो ये डिफ़ॉल्ट रहने दो, ये जो भी है इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो। उसके बाद आप इंजन में आओ, इंजन में अगर आप ओपन जेल में करते हो ना, ओपन जेल में आपकी ग्राफिक्स अच्छे होते होते हैं, लेकिन आपकी गेम की जो बुलेट रिजोल्यूशन है ना वो कम हो जाती है। अगर आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो, अगर आप रैंक पुश वगैरह करते हो, तो आप, मैं कहता हूँ डायरेक्ट एक्स में रखो, ये ज़्यादा अच्छी स्मूथ चलती है, इसमें बुलेट रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। आपने डायरेक्ट एक्स पे रखना है। उसके बाद ये आपने फर्स्ट टिक कर देना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टिक कर देना, ये चार टिक हो गए। उसके बाद ये है वर्टिकल सिंक, जिसको नहीं पता वर्टिकल सिंक ये है, अगर आपके पास 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है और आप गेम से 120 FPS ले रहे हो या फिर 90 FPS ले रहे हो और आपकी गेम वो स्टटर हो रही है, मीन्स कि आप गेम खेलते हो ना, जब आप माउस को हिलाते हो आपके सामने वो लाइनें बनी हुई आती हैं, वो स्टटरिंग होती है। अगर नहीं होती तो इसको अनेबल ना करना, अगर आपकी फिर भी गेम स्टटर हो रही है आप इसको अनेबल कर देना। बट मैं ही ये सजेस्ट करूँगा, इसको अनेबल करने से आपका एक और मसला होता है, इसका ये मसला होता है कि आपके ना गेम में डिले आ जाता है। डिले किस तरह आता है, आप बुलेट फायर करती हो वो डिले हो जाता है, आपके बुलेट्स में आपकी गेम में डिले आ जाता है, तो वो मज़ेगा नहीं लगता, तो आप इसको ऑफ ही रहने दो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद आपने एंटी लाइजिंग ऑफ कर देनी है, ठीक है। मेमोरी आपने मैक्सिमम, जितनी भी मेमोरी है उसको नीचे करके मैक्सिमम कर देनी है। उसके बाद प्रोसेसर भी आपने मैक्सिमम कर देना है। अब रेजोल्यूशन पे आते हैं, ये जो रेजोल्यूशन है ना, इसमें 1920x1080p 2560 ये 2K के लिए है, ठीक है, और 1280x720p रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका सीन नहीं है, आप 1080p भी करते हो, आपका 1080p मॉनिटर है, 1080p भी खेलो। मैंने जो की हुई है ये 1920x1440, ये मेरी है iPad रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर आपने करनी होगी ये कर लेना, आपको इसके लिए कंट्रोल्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। DPI आप, अगर आपका मिड रेंज PC है तो आप DPI इसके रखो तकरीबन 320 रख लो या 400 रख लो, अगर आपका हाई एंड PC है तो आप 480 कर दो इसको, ठीक है। मॉडल में जाना, आप मॉडल में यहाँ पर आप देखना, तो गौर से सैमसंग कैपिटल से SAMSUNG सैमसंग रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ में SM कैपिटल में माइनस X910 ये लिखना है, ये लिख के आपने नीचे आना है,
अगर आप 1080p कर रहे हो 1080p कर दो, अगर आप 2K गेमिंग कर रहे हो 2K कर दो, मैं 2K करता हूँ ठीक है, मेरे 2K मॉनिटर है। SD कर दो 90 FPS कर दो, और रीमेक श्योर कर लेना ये सेम हो ठीक है, उसको बस सेव करके आपने बैक आ जाना है। अब ये आपने फाइल खोल लेनी है, जो मैंने फाइल खोली है, जो ये मैंने डेस्कटॉप पे किया था ना, आपने ये खोल लेनी है। अब हमने यहाँ से पबजी में जाना है, हर बार ये क्या आपके पास एरर आएगा, इस एरर की आपने टेंशन नहीं लेनी ठीक है, इस एरर की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको कैंसिल करके गेम ऑन कर देनी है, हर बार इसको कैंसिल करना है, ओके नहीं करना। बाकी यार मेक श्योर जितने भी आ रहे हैं, इसकी और भी बड़ी सेटिंग्स हैं, विंडो की भी सेटिंग्स हैं, काफ़ी सेटिंग्स हैं, जो कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दिखा देना। अभी तो फिलहाल मैं पबजी के हवाले से आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ कि पबजी की सेटिंग्स कैसे रखनी है। इसके अलावा और भी बड़ी सेटिंग्स होती हैं पावर ऑप्शंस, और विंडो के अंदर पावर ऑप्शंस की गेम्स बूट करने के लिए एनवीडिया की सेटिंग्स होती हैं। अगर उसके लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, मसला नहीं है मुझे ठीक है। अच्छा तो बॉयज़ फाइनली गेम ऑन हो चुकी है ठीक है, अभी हमने स्मूथ 120 FPS अनलॉक किए हैं, जो कि आप जब गेम ऑन करोगे ना, सबसे पहले यहाँ से मैं आपको शो FPS करता हूँ, अभी 30 पे लॉक्ड है ठीक है। आपने यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाना है। अब ये देखो अल्ट्रा HDR ठीक है, उसके बाद हम स्मूथ पे करते हैं, अल्ट्रा एक्सट्रीम आपका अनलॉक हो गया, जो कि है 120 FPS ठीक है। आप ही कॉम्बैट में जाओगे आपके 120 FPS अनलॉक हो जाएंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हो लोबी में एक्सट्रीम प्लस, लोबी में एक्सट्रीम प्लस है, कॉम्बैट में आपके 120 FPS अनलॉक हो गए। अब हम चलते हैं अल्ट्रा HD 120 FPS की तरफ ठीक है, उसके लिए आपने सबसे बैक आना है ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बैक आ गए, बैक कर लेना आपने। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इसके ब्राउजर वगैरह कैसे खोलें, गेम लूप का ब्राउजर आपने प्रेस करना है F9 की, F9 की प्रेस करोगे आपके पास ये और ऑप्शन अनलॉक हो जाएंगे ठीक है। आपने सबसे पहले ब्राउजर पर जाना है, ब्राउजर पर जाके आपने, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आपने यहाँ पर लिखना है FX वाइल्ड एक्सप्लोरर ठीक है। आपने AP की प्योर वाली फाइल खोलनी है, यहाँ पर AP की प्योर वाली साइट खोलनी है, इसके नीचे जाओगे ना यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड करके आपने ना यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ये डाउनलोड हो रहा है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने किया हुआ है ठीक है। ये आपके पास ये इंस्टॉल यहाँ पर आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। अभी ये इसकी आ गया स्टोरेज, ये इसका फाइल मैनेजर आ गया। आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइल मेन स्टोरेज पे जाना है, उसके बाद आपने एंड्रॉइड पे ये गौर से देखना एंड तक देखना वीडियो, फिर समझ आएगी वरना नहीं आएगी। एंड्रॉइड पे जाना है, डाटा में जाना है, ये टेंसेंट में जाना है, फाइल्स में जाना है आपने, उसके बाद ये ज़रा वीडियो पॉज करके देख लेना कौन कौन से फोटो स्कोर हो। UE4 गेम पे जाना है आपने, शेडो पे जाना है, उसके बाद फिर शेडो पे जाना है, उसके बाद फिर आपने सेव्ड पे जाना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन थोड़ा करोगे, यहाँ पर सेव्ड गेम्स का फोल्डर है एक, इसमें जाना है। इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे 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 आपके पास ये आ गई है एक्टिव SAV, इसको आपने कट कर लेना ठीक है। कट करके आप इसको बैक आ जाओ, बैक मेन होम में आ जाओ, इसको हमने कट किया हुआ है, देखो ये कट है ऑलरेडी। उसके बाद आपने सिस्टम में जाना है, सिस्टम में डाटा में जाना है, डाटा में जाकर आपने Share 1 पे जाना है, Share 1 पे आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। इस फाइल का क्या मतलब हुआ, ये सब हमने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। आपकी जो गेम, जहाँ पर आपने गेम इंस्टॉल किया ना, जैसे कि TXE, ये मेरी गेम इंस्टॉल है, मेरी सैमसंग की SSD है लगी हुई, जो मैंने इसके अंदर गेम इंस्टॉल की हुई है, ये फोल्डर मैंने खोल लिया। ये मेरी गेम पड़ी है ठीक है। आपने बैक करना, आपका एक टेम्प का फोल्डर भी होता है, जो कि मैंने टेम्प का फोल्डर इधर रखा है, आप चेक करना डी ड्राइव में होगा या फिर किसी भी ड्राइव में आपका टेम्प का फोल्डर होगा, आप लोगों को पता होगा कि टेम्प का फोल्डर आपका कहाँ है। आपने टेम्प के फोल्डर में जाना है ठीक है, आपने TX में जाना है, आपने मोबाइल शेयर पर जाना है, उसके बाद ये जो एक्टिव की हमने यहाँ पर पेस्ट की थी ना, ये वाली फाइल आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये आपने कट करके ना इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास आ गई है ठीक है, ये डेस्कटॉप पे आ गई। अब आपने क्या खोलना है, आपने गूगल खोलना, गूगल यहाँ पर हमने करना है सेव एडिटर ठीक है, सेव एडिटर ये देख लो, ये साइट है, ये साइट आपने खोलनी है। अब ये सेव एडिटर आ गया, आपने ये वाली फाइल ना यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ड्रैग कर दो अपलोड कर दो, ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पर ये सारी आपकी चीज़ें आ गई हैं, जो कि FPS बैटल की आपकी क्या रेजोल्यूशन है, आपने कस्टमाइज करनी है, ये वो GFX टूल नहीं है, आपकी इससे ID बैन नहीं होगी, मसला नहीं है इससे, मैं काफ़ी देर से यूज़र हूँ, मेरी तो ID बैन नहीं हुई ठीक है। अब इसमें FPS बैटल आपके 8 है, मेक श्योर आपके FPS बैटल 8 हो, मेक श्योर आपके FPS लेवल 7 है 8 हो, इसको हम 8 की वैल्यू कर देते हैं ठीक है। बैटल रेंडर क्वालिटी, इसको आपने कर देना, बैटल रेंडर क्वालिटी को आपने कर देना 5, 8 to 5 ठीक है। बैटल रेंडर क्वालिटी को आपने 5 कर देना ठीक है, 1 है। FPS बैटल जो है आपके 8 है,
बैटल रेंडर स्टाइल जो आपका 2 है, बैटल रेंडर क्वालिटी आपकी 5 है, लोबी FPS को भी आपने 8 कर देना है, ठीक है। उसके बाद लोबी रेंडर स्टाइल को आपने 2 रखना है, लोबी रेंडर क्वालिटी को आपने दोबारा 5 कर देना है, ठीक है। ये देख लो, ये सेटिंग्स आपने चेंज कर लेनी है। उसके बाद नीचे स्क्रोल डाउन करोगे, ये डाउनलोड एक्टिव SAV आपने इसको डाउनलोड कर लेनी है। अब ये देखो, ये मेरी कहाँ पर डाउनलोड हुई है, ये मेरा फाइल डाउनलोड हुई है, ठीक है। इसको आपने कट कर लेनी, इसको हमने कट करके कहाँ पर पेस्ट करना है, वही टेम्प वाली फाइल में, जो टेम्प वाली फाइल थी ना हमारी, हमने उसके अंदर पेस्ट करनी है। हम जाते हैं दिस PC में, यहाँ पर मेरी टेम्प फाइल पड़ी होगी, ये टेम्प फाइल है, ठीक है। टेम्प फाइल के अंदर जाना है, टेक्स्ट में जाना है, ये जाना है, मीन्स के ये मेरी ओरिजिनल फाइल है जो मैंने एडिट किया है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये एक्टिव फाइल मेरी पेस्ट होगी यहाँ पर। अब मैं गेम दोबारा से गेम ओपन करूँगा, इसका थोड़ा बैक आ जाता हूँ ताकि सेव हो जाए। दोबारा एफएक्स में जाते हैं, ठीक है। हमने पहले, अब पहले हम गए थे इस मेन पे, सिस्टम में जाना है, डाटा में जाना है, शेयर वन पे जाना है। ये मेरी एडिटेड फाइल पड़ी है जो मैंने एडिट की है, ठीक है, ये वो फाइल है मेरी। इसको कट करते हैं, इसको कट करके दोबारा हमने वहाँ पर पेस्ट करनी है जहाँ से हमने वापस ली थी, मेन स्टोरेज पे, एंड्रॉयड पे, डाटा पे, टेंसेंट पे, फाइल्स पे, और उसके बाद UAE4 गेम पे, शेडो पे, दोबारा शेडो पे, सेव्ड पे, नीचे सेव्ड गेम्स आएगा इस पे। उसके बाद नीचे हमने सेव्ड गेम्स के अंदर, मेक श्योर सेव्ड गेम्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट हो गई है, अब हम गेम को कर देते हैं रीस्टार्ट। अब हमने यहाँ से गेम ऑन करनी है, जो हमने शॉर्टकट बनाया था ना, वहाँ से हमने गेम ऑन कर लिया। ये हमने गेम ऑन कर लिया, बाकी यार कमेंट में बता देना तुम लोगों को, जिस तरह के भी वीडियो सही होंगे मुझे कमेंट में बता देना, मैं इंशाल्लाह उस वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए बना के अपलोड कर दूंगा। ये आगे गेम ऑन करनी है, कैंसिल करना है, ठीक है। अब ये गेम लोड होने दो, मैं आगे जाके मिलता हूँ आपसे। अच्छा तो बॉयज, फाइनली हमारी गेम ऑन हो चुकी है, जो सेटिंग्स मैंने आपको करवाई थी। अब इसका सीन ये है, मैं आप लोगों को इसका सीन भी समझाता हूँ। मैंने ये आईपैड व्यू रखा हुआ है, इसकी टेंशन नहीं लेना, आपने जो रेजोल्यूशन लिखी है उसमें भी होगा, मसला नहीं है यार। हम ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लें। बाकी यार जिसको भी मेरी UID चाहिए, मेरी UID ले ले, 5626021254। ये मेरा मेन, ये मैंने बाइक की ID, ये वो वाली UID है, और एक मेरा मेन अकाउंट भी है, ठीक है। जिसमें भी मैं एक्टिव हूँ आप लोग मुझे ऐड कर सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। कमेंट में लिख देना कि भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उसके अलावा मेरी मेन जो मेरी आईडी है वो ये है, ठीक है, 5425717741, ठीक है। अब इसके हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। अब इसका ये सीन है, अल्ट्रा HDR हो गया, ठीक है, हमने अल्ट्रा HDR करना तो हो गया। उसके साथ हमने 120 FPS भी अनलॉक करने थे। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे हाई शो हो रहा है, आप लोगों के हाई पे भी तो 30 FPS होते हैं, ठीक है, मीडियम पे 20 FPS होते हैं, पावर सेमी में 10 FPS होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं 120 FPS है? ये आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने आपको कस्टमाइज सेटिंग्स करवाई है ना, जो फाइल पे सेटिंग्स चेंज हमने की है, वो उसमें हमने 120 FPS अनलॉक कर दिए हुए हैं, अल्ट्रा HDR 120 FPS। अब यहाँ पर हम शो FPS कर लेते हैं ज़रा, ये देखो यहाँ पर चेक करो, 118 113 मेरे FPS आ रहे हैं। अब आप लोगों को मैं अल्ट्रा HDR की एक गेम प्ले भी दिखा देता हूँ TDM की, तो बाकी जिसका भी कोई इशू आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लेना, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टा ले लेना, या मैं अभी आपको अपना इंस्टा भी दे देता हूँ। मेरा इंस्टा का अकाउंट मुझे वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मनी भाई मेरा ये इशू आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। मेरा ये अकाउंट है IMMUNEEB, ये मेरा इंस्टा है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी ये गेम प्ले चेक करो बस। ये करते हैं, सबसे पहले तो हम हमने कंट्रोल्स एडवांस इसको कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, और बाकी हमने अनेबल पी करनी है। मेरी सेटिंग रिसेट हो गई, आप लोगों के लिए मैंने सेटिंग रिसेट की थी। अच्छा अब ये देखो, मेरे FPS कितने आ रहे हैं ऊपर, 114 116 FPS आ रहे हैं, और ये ग्राफिक्स चेक करो, अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले है, कोई मसला नहीं गेम पे। ये देखो, ये देख रहे हो ग्राफिक्स, ये अल्ट्रा HDR, तो बस इतना ही था बॉयस।
मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका इशू हो, कुछ भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।